News 18, India. बड़ी खबर सामने आ रही है कि घायलों को अब एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से शुरू की जा चुकी है। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। देखिए, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, एम्बुलेंस हो, सब कुछ जो है वो वहां पर पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। और जो ज्यादा घायल हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा भोपाल। उधम सिंह तोमर जी का, और ये तस्वीरें जरूर देखिए आप इस वक्त। और मंत्री, लेकिन अवंतिका, दरअसल अलर्ट जरूर हैं चीज़ें वहाँ पर, और इस तरह के हादसे जरूर जब होते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियाँ जो महसूस होती हैं, जो कमियाँ हुई होती हैं वो जागर होती हैं। इससे कम से कम सबक जरूर लिया जा सकता है, और उस सबक के नज़रिए से हम मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से ज़रूर समझना चाहेंगे। हरदा वो इस वक्त निकल रहे हैं, चूँकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक की थी। मंत्री जी तुरंत हरदा निकल रहे हैं, क्या जानकारी है? हरदा तो माननीय उदय प्रताप जी जा रहे हैं जी, पर मैं हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशील है, उन्होंने तत्काल कैबिनेट में फैसला किया, शिवराज सिंह चौहान बोलने वाला था, उदय प्रताप सिंह जी को भेजने का निर्णय लिया। वहाँ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, जो घायल है उनका तुरंत इलाज किया जाए जी। और वहाँ पे सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, ये मैं आपको बताना जी बताया जा रहा है। भोपाल के लिए भी अस्पताल प्रॉपर रेडी करके रखा गया, मीडिया में अस्पताल जी वर्मी नोट वगैरह सब तैयार है, सब संसाधन पूरे शासन ने वहाँ उपलब्ध करा के रखे हैं, और हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग भी वहाँ जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सतत उस पर जी ध्यान रखे हुए। बहुत बड़ी बहुत घटना है जी जी बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ज़रूर है, हालांकि ये शायद इस समय मौजूद ना हो, प्रशासन या पुलिस प्रशासन की एक चूक ज़रूर है, अवैध फैक्ट्री चल रही थी वो, दूसरा बस्ती में ये फैक्ट्री चल रही थी, संचालित हो रही थी। देखिए मेरा कहना है कि इस समय जी इस पर मैं कोई जो भी बात होगी, जो नियम विरुद्ध बात होगी, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी सरकार हमारी करेगी, परंतु इस समय हमारी सरकार जो घटना हुई है उसमें लोगों को कैसे तत्काल सहायता पहुँचाए इस पर ध्यान फोकस करें। चल शुक्रिया। तो मंत्री इस वक्त अपने कारकीर्द के साथ निकल रहे हैं, तस्वीरें जरूर इस वक्त आप जी। जो भी जरूरी सहायता हो वो सरकार मुमकिन कराने की कोशिश करेगी, लेकिन प्राथमिकता यही है कि जो बुरी तरीके से झुलसे हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए और सही समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया जाए। भोपाल एम्स की बर्न यूनिट को तैयार रखा गया है, मिथिलेश का सीधा रुख करेंगे। मिथिलेश, क्या एयरलिफ्ट करने की तैयारी पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी है? देखिए, अगर एयरलिफ्ट की बात की जाए तो एयरलिफ्ट के लिए आर्मी से बातचीत चल रही है, और आर्मी से एयरलिफ्ट को लेकर बात हो चुकी है। जरूरत पड़ने पर तत्काल जो लोग ज्यादा झुलसे हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, और जो ज्यादा गंभीर हालात में रहेंगे उन्हें इंदौर के बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, ये दो बड़े सेंटर हैं जहां पर तैयारियां शुरू की जा रही है। 200 से ज्यादा जो बर्न यूनिट बेड है वो तैयार किया जा रहा है, और इसके साथ ही अलग अलग जगह से लगभग 7 ऐसे जिले मध्य प्रदेश की जहां से एम्बुलेंस को रवाना किया जा रहा है। आईसीयू वाले की एम्बुलेंस है, और उस एम्बुलेंस में बर्न यूनिट के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो भी रहने वाले हैं। तो डॉक्टर के साथ में जो एम्बुलेंस है वो रवाना हो चुकी है। 20 एम्बुलेंस इंदौर से रवाना की गई है, और लगातार भोपाल से भी जो एम्बुलेंस है रवाना की जा रही है, और इसके आसपास में 5 और जिले हुए जो हरदा से लगे हुए वहां से भी एम्बुलेंस को रवाना किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती होने वाली सबके बीच में समय रहते सबका इलाज हो सके, बेहतर उनका इलाज किया जा सके, और प्राथमिक इलाज के लिए जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त की जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, बर्न यूनिट की तैयारियों को जांचा परखा जा रहा है। सबसे खास बात है कि बर्न यूनिट के लिए जो मेडिसिन है उसकी उपलब्धता कितनी है उसकी तैयारी की जा रही है। बर्न यूनिट में जो ब्लड इस्तेमाल होने वाले उसकी वो कितना ब्लड उपलब्ध है, और कौन कौन से ग्रुप का ब्लड उपलब्ध है, ब्लड बैंक से उसकी जानकारी निकाली जा रही है। यानी जो दूसरी तरफ की तैयारियां हैं, जो हादसे के बाद में जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग गंभीर हैं, उनकी इलाज को बेहतर व्यवस्था की जा सके। लेकिन आर्मी से लगातार बात चल रही है, महू के जो छावनी है वहां पे बात हो चुकी है। सही जानकारी आप दे रहे हैं कि आर्मी से लगातार बातचीत चल रही है, एयरलिफ्ट किया जाएगा, हर कोई दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है इस घटना से निपटा जा सके। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है ऐसी घटनाओं के बाद कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है रिहायशी इलाका है, छोटे मोटे घर है वहां पर, खेत खलिहान है, और ऐसे में ऐसा नहीं है कि प्रशासन की नजर कभी इस फैक्ट्री पर नहीं पड़ी होगी।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो मौत हुई रही है, जो लोग घायल हुए, इनके गुनहगार कौन है? ये सिर्फ गुनहगार फैक्ट्री का जो संचालक है या जो फैक्ट्री का मालिक है सिर्फ वो नहीं है, ये तमाम अधिकारी लोग भी इसके जिम्मेदार हैं इस हादसे के, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अवैध फैक्ट्री अगर संचालित है तो उस पर कार्रवाई की जाए। रियासी बस्ती के बीच में, रियासी इलाके के बीच में यह फैक्ट्री संचालित थी, आसपास में मकान बनाए हुए गए थे, जब मकान बनाया जा रहा था तब क्यों नहीं रोका गया, टोका गया? जो अवैध फैक्ट्री संचालित हुई थी, जहां पर इतना बारूद था कि कई किलोमीटर तक, लगभग 10 किलोमीटर तक उसकी आवाज गई, 60 से ज्यादा जो घर है अब तक उसकी जद में आ चुके हैं, वो तस्वीर भयावह तस्वीर हर किसी ने देखा, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मिसाइल गिर चुकी है, क्योंकि उसकी जो आवाज है पटाखों के, बारूद की आवाज है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं फैक्ट्री के पास की, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धमाके के बाद वहां पर जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी दिखाई दे रही है, चीजें टूटी फूटी ध्वस्त नजर आ रही है और आग की लपटें मानो ऐसा लग रहा हो जिसे दहाड़े मारकर आसमान को छूने को राजी हूं, और वहीं धुएं का गुबार भी आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। पटाखा फैक्ट्री में बड़े धमाके के बाद आपको बताया कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है, SDRF NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं, एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, सेना से बातचीत की जा रही है, जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं उन्हें जिला अस्पताल से अब भोपाल एम्स शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द ये कदम उठाए जाने की कोशिश है जिससे कि जो जाने हैं उन्हें बचाया जा सके। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं पटाखा फैक्ट्री में जो धमाका हुआ है उसके बाद की तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, डराने वाली ये तस्वीरें। देखिए बैतूल और नर्मदापुरम से जो SDRF NDRF की टीम जो है वो लगातार वहां पहुंच रही है, मिथिलेश लगातार मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। मिथिलेश, ये भी जानकारी आ रही है कि SDRF की टीम जो है पहुंच रही है, साथ में कई मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की किस तरीके की जिम्मेदारी, अभी जो है फिलहाल हालात किस तरीके के बने हुए, कौन कौन वहां पहुंचा है? देखिए अगर इस वक्त अगर बात की जाए तो प्रद्युम्न सिंह तोमर से लेकर तमाम जो मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही हादसे की जानकारी आई उसके बाद तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो हरदा के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन देखिए इस वक्त में जो हरदा का जिला अस्पताल है, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक घायल जो है वो सामने आते जा रहे हैं और जो हालात है बस बदतर कहीं ना होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये हादसा जो है, हादसे की भयावह तस्वीर सामने आ चुकी है और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि इस जो हादसे में कितने, उसकी जद में कितने लोग आए, क्योंकि लगातार घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत का आंकड़ा भी समय के साथ बढ़ता जा रहा है। और देखिए फिर से मैं वही कहूंगा कि ये बिल्कुल जहां पर ये हादसा हुआ है उसके आसपास में कई मकान बने हुए थे, रहवासी क्षेत्र का वो यह हिस्सा है जहां पे अवैध पटाखा संचालित हो रही थी, वहां पे बारूद इतना ज्यादा था कि कई किलोमीटर तक दूर तक उसकी आवाज आई थी और लोग यहां तक जो उस वक्त गाड़ियों से निकल रहे थे अपनी गाड़ियां तक छोड़कर वो वहां से भाग गए। आपके पास एक बार एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें, देखिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, SDRF की टीम पहुंच चुकी है और हालात जो है वो बहुत ज्यादा बुरे बने हुए जमीनी स्तर पर। देखिए प्रशासन के तमाम लोग जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है जाहिर तौर पर ये कुछ 100 किलो के करीब यहाँ पर विस्फोटक रखा होगा, एक तो लाइसेंस नहीं और ऊपर से घनी बस्ती के बीच में इस तरीके से फैक्ट्री होना, जाहिर तौर पर जिम्मेदारी तय होनी बनती है, क्योंकि कई जाने एक साथ गई हैं और कई खतरे में हैं। तो देखिए बड़ी खबर लगातार आपको इस बात के लिए जानकारी दे रहे हैं कि आखिर हालात जो है किस तरीके के बने हुए, सबसे बड़ी बात है NDRF हो, SDRF हो, प्रशासन हो, मंत्री हो, तमाम लोग जो है उनके पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा की घटना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, उन्होंने मीटिंग करके अधिकारियों से जानकारी ली और बड़े अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को हरदा के लिए रवाना भी किया है, जिनसे अभी हमारे सहयोगी लगातार बातचीत भी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि देखिए भोपाल में हॉस्पिटल जो हैं उन्हें पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया, हर सुविधा तैयार की जा रही है, चाहे वो ब्लड की हो, चाहे बर्न यूनिट की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। धमाके में 100 लोगों की घायल होने की जानकारी है, पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है और देखिए कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं, कितना भयावह ये मंजर है कि देखकर ही रूह कांप जाती है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि अगर कोई इस फैक्ट्री के अंदर फंसा भी हुआ होगा तो उसका क्या हाल हो रहा होगा, और ऐसे में रेस्क्यू टीम की प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें बचाया जाए और अगर बचा लिया जाता है तो उसके बाद जल्द से जल्द सही इलाज मुहैया करवाया जाए। जांच तो बाद का विषय है, लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं या जिनकी जान खतरे में है उन्हें जल्द से जल्द जो भी इलाज संभव हो वो मुहैया करवाया जाए और उस इलाज के लिए जो भी व्यवस्था बन सकती है वो व्यवस्था कराई जाए। तो देखिए जो जानकारी सामने आ रही है कि नर्मदापुरम से 3 एम्बुलेंस 6 फायर ब्रिगेड को रवाना किया गया है,
क्योंकि हरदा इलाके में जिस तरीके से धमाका हुआ, ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि इस आग को बुझाया जा सके, क्योंकि ये आग जो है बहुत तेजी से फैल रही है। बार बार वहां धमाकों की आवाज आ रही है वहां पर, क्योंकि अंदर पटाखे मौजूद है, और जैसे ही फायर ब्रिगेड वहां पर आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बार बार आग अपना विकराल रूप धारण कर रही है, क्योंकि अंदर पटाखों में जो है लगातार धमाके हो रहे हैं। ऐसे में आसपास के इलाके को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया, लेकिन लोगों के घरों में दरार पड़ चुकी है। साथ ही 50 से ज्यादा ऐसे घर बताए जा रहे हैं जिन्हें खाली कराया गया। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार जो लोग जख्मी हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है, ताजा अपडेट क्या है वहां से पहले वो बताइए मिथिलेश। देखिए इस वक्त मैं आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगा कि लगभग जो मकान है उनकी संख्या बढ़कर 100 हो चुकी है। 100 के आसपास ऐसे मकान है जिन्हें खाली करा लिया गया है, और कई सारे ऐसे मकान हैं कि बारूद की वजह से उनके घरों में दरारें आ चुकी हैं, और 60 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो पूरी तरीके से अब आग की जद में आ चुके हैं। 2005 में पेटलावद में एक भीषण अग्निकांड हुआ था, 2005 के भीषण जो अग्निकांड हुआ था पेटलावद में, जो उसमें फायर फाइटर की एक्सपर्ट की जो टीम गई थी, जिस डॉक्टर ने उस समय वहां के गंभीर लोगों का इलाज किया गया था, उस पूरी टीम को इंदौर से रवाना कर दिया गया है हरदा के लिए। यानी फायर फाइटर की जो स्पेशलिस्ट की टीम है वो हरदा के लिए रवाना हो चुकी है, और उसे रवाना किया गया इंदौर से। दूसरी तरफ भोपाल से भी जो डॉक्टरों की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, एम्बुलेंस से वो लगातार रवाना की जा रही है। और देखिए अब आवश्यकताओं के आधार पर जितनी संख्या बढ़ती जा रही है, जितने आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही संसाधन जुटानी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि हरदा एक छोटा सा जगह है, हरदा का जो सिविल अस्पताल है इस वक्त वहां पे चीख पुकार मची हुई है, लोग अपनों को तलाश रहे, अपनों को ढूंढ रहे, मासूम बच्चे से लेकर हर वर्ग के जो लोग हैं, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग हर कोई जो घायल अवस्था पहुंच रहा है, वो भयावह स्थिति है। दर्दनाक जो मंजर है, दर्दनाक जो तस्वीर है, वो हरदा के जिला अस्पताल से सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो चुनौतियां हैं उस बीच में उसी अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट करना, क्योंकि वहां पर संसाधन कम है, डॉक्टरों की संख्या कम है, लेकिन आसपास से ज्यादा डॉक्टरों को भेजा जा रहा, ज्यादा ज्यादा जो मेडिकल उपकरण है, मेडिकल संसाधन है, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। एयर लिफ्ट की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। एयर लिफ्ट जो है बहुत जल्द, जो लोग ज्यादा गंभीर रूप से झुलसे हैं उन्हें एयर लिफ्ट करके भोपाल और इंदौर भेजा जाएगा, जहां पर उनका बेहतर उपचार किया जाए। तो एक्सपर्ट की टीम पहुंच चुकी है, मेडिकल संसाधन को जुटाया जा रहा है, लगातार वहां पर जो आईसीयू की एम्बुलेंस की गाड़ियां वो भी ज्यादा ज्यादा पहुंचाई जा सकी है कि कुछ लोगों का इलाज आईसीयू के अंदर किया जा सके, और जो गाड़ियां वहां से मूव करेंगे, क्योंकि वहां से भोपाल और इंदौर अगर देखा जाए हरदा से, दोनों का जो डिस्टेंस है लगभग 3 से 4 घंटे का है, मतलब लगभग 150 किलोमीटर का ये अंतराल है। 150 किलोमीटर तक में अगर लोगों को पहुंचाना है तो चल से चल उनको बेहतर इलाज मिल सके, आईसीयू के अंदर उनका उपचार किया जा सके, तो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। तमाम जो बड़े एक्सपर्ट हैं, जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जिन लोगों ने ऐसे ऑपरेशन में काम किया, उन एक्सपर्ट जो प्रशासनिक अधिकारी, उन्हें भी मौके पर भेजा जा रहा है। तो तैयारियां कहीं ना कहीं से मुस्तैदी की जा रही है, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन फिर से यही बड़ा सवाल है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन, ये किसके कहने पे ये फैक्ट्री संचालित थी, क्यों कभी नहीं रोका टोका गया, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई की नहीं गई। हादसे तो हो चुके हैं, हादसे की बात कही जा रही है कि हादसे के बाद पिछले वाले हादसे से कुछ सबक लिया गया, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन फिर भी अभी प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग जख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज के लिए पहुंचा दिया जाए। बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन हरदा के डीएम का भी इस पूरे मसले पर अभी तक क्या कहना है, जरा सुनवा देते हैं। ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं, करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम और NDRF की टीम को भी बुलाया है, और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। सर कितने लोग हराज होने की संभावना? अभी 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। तो हरदा के डीएम को भी हमने आपको सुनवाया, NDRF, SDRF को तैनात कर दिया गया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो हरदा से सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी का माहौल है, और दूर से ही ये आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी जा सकती है। इतनी जबरदस्त ये आग लगी है कि इसका नतीजा ये हुआ, आसपास जो घर थे वहां पर उन घरों की दीवारों में भी दरारें आने लगी है। अब जांच पड़ताल भी इसकी जाएगी, क्या लाइसेंस के बिना इस फैक्ट्री
को चलाया जा रहा था, और आखिर ऐसी जगह पर जहां पर आसपास लोगों के घर हैं, तो फिर ऐसी इजाजत किसने दी, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर संभवतः किसी ने रास्ते में चलते हुए बनाई होगी, क्योंकि बहुत दूर से ही, अगर किसी का घर वहां पर दूर भी है तो दूर से भी ये आग इतनी ऊंचाई तक उठती हुई दिखाई दी कि हर कोई इसको अपने कैमरे में भी कैद कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो जिंदगियां हैं जो इस वक्त बहुत जद्दोजहद कर रही हैं, वो परिजन हैं जो अपनों को ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि 100 अगर ये आंकड़ा घायलों का पहुंच चुका है, तो कई सारे ऐसे लोग भी उसमें हैं जो इतनी बुरी तरह झुलस गए। अब तस्वीरें एक और आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें सब कुछ जलकर राख होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो तस्वीर उसके बाद की है, यानी कि इस धमाके के बाद की, जब ये इस फैक्ट्री में धमाका हुआ उसके बाद की तस्वीर है, जहां पर सब कुछ जलकर राख होता हुआ दिखाई दे रहा है।